सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे सामने बैठी हैं नम्रता तलरेजा, जिनका CS फाउंडेशन हाल ही जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2019 का जून का, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल किया। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। तो नम्रता जी, इस अचीवमेंट के बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली सबसे पहले तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे नहीं थे कि ऑल इंडिया रैंक आएगा, बट मैंने एकदम 100% अपना दिया। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि हाँ रैंक लाना है। स्पेशली टीचर्स जो है हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, हमेशा गाइड किया, अच्छे से बताया कि कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मल हमारी जो तैयारी चलती है, लाइक पास होने की एक तैयारी होती है, तो पास से AIR के सफर में वो एक्स्ट्रा क्या किया जो एज आपको लगता है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपने कुछ अलग किया? सर जैसे बाकी स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मोस्टली एंड ऑफ द टाइम पे जो है प्रिपरेशन करना है, बट मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग से जो भी क्लास में हुआ उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना टाइम टू टाइम। एंड ऐसा है कि थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स देना पढ़ाई को, और सर वगैरह। तो इसका मतलब सिर्फ हम जो क्लास में पढ़ते हैं सिर्फ उतने तक पे छोड़ दे तो नहीं, एक पर्सनल टाइम अलग होना चाहिए पढ़ने का। तो ऐसा कोई एक विशेष सब्जेक्ट जिसको आपने एक्स्ट्रा फोकस किया, या सबको ड्यू वेटेज दे के आपने अपनी तैयारी करी? नहीं नहीं सर, सबको एकदम ड्यू वेटेज दिया मैंने, बहुत ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली कोई सब्जेक्ट। तो ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पे अक्सर कुछ स्टूडेंट्स कुछ एक सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ जाते हैं, आपने सभी सब्जेक्ट्स को ड्यू वेटेज दिया। अब इस तैयारी में जैसे हम यहाँ की अगर बात करें, तो जो वीकली हमारे टेस्ट होते हैं एक्सेल में, तो वो वीकली टेस्ट आपको एग्जाम अपियर करने और एग्जाम से रैंक तक के सफर में, आपको क्या लगता है वो वीकली टेस्ट का क्या योगदान था? सर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा उसका। एक्चुअली जो एक्सेल वाले टीचर्स जो हमारे हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं कि बच्चों का माइंडसेट बना रहे कि एग्जामिनेशन कैसे देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है पहले ही प्रिपेयर रहते हैं हम कि हाँ टेस्ट देना है, अच्छे से देना है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है टेस्ट देने के बाद। मतलब हमारे आधे कोर्स की तैयारी जो है वो आपको लगता है वो टेस्ट के बेसिस पे ही पूरी तैयार हो जाती है? सर यस यस, इवन आधा भी नहीं, पूरा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके रैंक के सफर में। उसके बाद हमारी जो क्लासेस जो ख़त्म होती हैं उसके बाद और एग्ज़ाम के बीच में, जो जिसे हम अक्सर प्रिपरेशन लीव का समय बोलते हैं, उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया? सर वो जो था एक तरीके से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रिपरेशन लीव बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है, कि कोचिंग तो ठीक है टीचर्स अपना पूरा 100% देते हैं, बट बच्चों को भी अपना 100% देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो फिर मैंने ऐसा था कि 6 to 7 hours ऑन एन एवरेज पढ़ाई की, तो खुद का सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कि पढ़ाई करना है पूरे दिन करके। तो बेसिकली इसको लेके हम ये बोल सकते हैं कि मतलब प्रिपरेशन लीव में भी एक्चुअली समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई को ड्यू इम्पोर्टेंस देना जरूरी। कोई एक आध सब्जेक्ट जिसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगा, या जिसको लेके आपने कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की, कहाँ कहाँ से खाली जो मटेरियल्स जो यहाँ से आपको मिले वही पढ़े, कि कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ा, तो कुछ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर करना चाहें? सर इनफ थी एक्सेल की जो बुक्स, जो नोट्स थे, एक्चुअली उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही उसके मटेरियल। प्लस कहीं ना कहीं मैंने ICSI के मॉड्यूल से भी प्रिपरेशन की, बट मोस्ट ऑफ दी जो था वो कवर हो जाता था एक्सेल के। तो मतलब नोट्स में ऑलरेडी मॉड्यूल की चीजें कवर्ड हैं, तो पर ये दो चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी किसी भी अदर रेफरेंस जाने से पहले, ये दो चीजों को तैयार करना। तो इन चीजों को लेके हमने देखा कि किस तरीके से अल्टीमेटली अगर हमें एक नॉर्मल पास से लेके आगे रैंक तक का सफर तय करना है तो क्या एक्स्ट्रा तैयारियां हमें करनी चाहिए। करेक्ट। थैंक यू नम्रता वंस अगेन, आपको बहुत बहुत बधाई हो इन सब चीज़ों के लिए।